हाय, सो 22 अक्टूबर की सुबह आपका स्वागत है। और वैसे मैंने वीडियो कल बना दिया था रिगार्डिंग कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन, और आज से जैसे बोलते हैं वैसे तो एमसीसी से आगाज़ होना चाहिए हर राउंड का, और एमसीसी का सपोजिटली आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना चाहिए एज़ पर दी ओरिजिनल शेड्यूल, जिसमें 22 से लेकर 25 तारीख तक का समय है और एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। हम जानते ही हैं कि 2,05,000 रुपये डिपॉजिट लिया जाता है और सीट मैट्रिक्स भी अभी आएगा, तो मेरी सलाह यही है कि सीट मैट्रिक्स को देखकर फैसला कीजिए। और फिर से कई लोगों का फ़ोन आता है नेगोशिएशंस में, बार बार समझाता हूँ कुछ भी नेगोशिएशन फाइनल करने से पहले या तो कॉलेज जाइए या आपका कंसल्टेंट बहुत ट्रस्टेड होना चाहिए, वरना लोग बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी आपको बोल देंगे हाँ आपसे पैसे ले लेंगे, जब आप ज्वाइन कर लोगे पता चलेगा पूरी फीस देनी है, तो बहुत संभल के चलिएगा जो भी आपको नेगोशिएशन का प्रॉमिस कर रहा है। और हो सके तो अगर एक कॉलेज देखो, जो भी कॉलेज में नेगोशिएशन होगा वो सबसे ऊपर भरोगे आप ना। चार दिन की बात है, कल की बात है, जाके उठ के उस कॉलेज में भी एक बार जाके दिखाइए, मैं तुझे कहूँगा मिलिए ये जाके कि वाकई वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या आपका जो कंसल्टेंट है मैंने कहा बहुत रिलायबल होना चाहिए। बट जहाँ इतनी बड़ी बात है, और मोस्टली देखिए नेगोशिएशन सिर्फ चेन्नई पांडिचेरी के कॉलेज करते हैं, मैंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, उसके अलावा तो पूरे हिंदुस्तान में कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई फीस से एक रुपया भी कम करेगा। तो आपको कहीं और तो जाना नहीं है, और सारे कॉलेज चेन्नई के आसपास हैं। चेन्नई की फ़्लाइट लीजिए, 2 से 3 घंटे में बाहर एक वो पड़ता है विनायक मिशन सलेम और कुछ पांडिचेरी के, वो भी आप 3-4 घंटे पहुंच जाओगे, चेन्नई के अंदर अंदर तो तुरंत पहुंच जाओगे। तो जाके एक बार बात तो करके आओ अपने आप से, राइट। ये मेरी सलाह है जो भी आपको नेगोशिएशन प्रॉमिस कर रहा है इस समय, कि एक बार ज़रूर कॉलेज के दर्शन करके आइए, ठीक है। कंसल्टेंट का रोल ये होता है आपको गाइड करना कि कहाँ का नेगोशिएशन हो रही है, उसी बात की मैं हमेशा एक नॉमिनल फीस आपसे लेता हूँ, हमारे पास वो जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं, उसी बात के आपसे चार्ज लिए जाते हैं, है ना, काउंसलिंग फीस जिसे हम कहते हैं। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता था कि राउंड 4 में आपको ध्यान रखना, अगर आपको अलॉटमेंट मिली राउंड 4 में जिसे हम स्टे बॉपर बोलते हैं और आपने ज्वाइन नहीं करा तो अगले साल के लिए नीट के लिए डिबार हो जाते हो, तो प्लीज़, और ख़ासकर हर जगह डिपॉजिट दे रहे हो तो भाई तभी तो फॉर्म भर के चॉइस फिलिंग करो जब आपको सीट चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट मत कीजिए ना अभी भी। अगर आपको वो सीट चाहिए नहीं तो चॉइस फिलिंग में भरी क्यों रहे हो, और सीट भर दोगे तो मिल जाएगी, तो ज्वाइन करना चाहिए आपको। लेकिन इसी रूल का एक और फ्लिप साइड है जिसमें आप लोग कन्फ्यूज होते हो। आप कई बार हमें फ़ोन करते लोग कि सर मैं खाली बैठा था, मैं स्टे में भी सोच रहा हूँ चारों फॉर्म भर दूँ, 5 भर दूँ, ऑल इंडिया भी भर दूँ, एमसीसी हिमाचल भी भर दूँ, राजस्थान भी भर दूँ, और मान लो मुझे चारों जगह सीट मिल गई, ज्वाइन तो मैं एक ही करूँगा, बाकी 3 सीट मैं छोड़ दूंगा, तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा, अगले साल नीट नहीं दे पाऊंगा। तो मैं कहता हूं भाई जब तूने ज्वाइन ही कर लिया तो फिर नीट क्यों देगा। तो ये जो रूल है ना कि अगले साल आप नीट से डिबार हो जाओगे, वो उन्हीं के लिए है जो चारों लेटर लेके एक भी ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आपने एक भी ज्वाइन कर लिया तो बाकी 3 सीटें आपने ज्वाइन नहीं की, क्या फ़र्क पड़ता है, जब आपने साल ज्वाइन नहीं कर लिया तो अगले साल नीट क्यों दोगे। प्राइवेट कॉलेज में तो वैसे ही आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी, अगर आपने कॉलेज छोड़ा तो आप क्यों ज्वाइन कर, क्यों अगले साल नीट दोगे। तो उस रूल की उसको टेंशन नहीं है जो कोई भी सीट ज्वाइन करने वाला है, फंसेगा या परेशानी उसको होगी जो 2 लेटर 1 लेटर 3 लेटर लेके एक भी ज्वाइन ना करे। और भाई 3 लेटर लेके एक भी ज्वाइन नहीं करने वाले हो तो लेटर भरी क्यों रहे हो, अप्लाई करी क्यों रहे हो, रजिस्ट्रेशन करी क्यों रहे हो, चॉइस फिलिंग करी क्यों रहे हो, डिपॉजिट दे क्यों रहे हो। इतनी ठहराव तो जीवन में होना चाहिए ना, है कि नहीं। ये थोड़ा ना कि अभी दे दोगे 2-2, 5-5 लाख रुपए दे दोगे और 4 दिन बाद डिसाइड करोगे मुझे किसी भी कॉलेज में नहीं जाना। ये तो मैं कहूँगा कि आप थोड़े से मेंटली यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ और हिले हुए हो, बेचारा बच्चा मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उस केस के अलावा किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ज्वाइन ही कर लिए एक सीट तो बाकी 2 या 3 भी आपने ख़राब कर दी तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही कारण है जो मैं हमेशा कहता हूँ, 2023 में मैंने बहुत कहा था कि स्पेशल स्टे राउंड होगा ही होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो अलग बातें हैं, ऑफलाइन भी होगा तो कैसे होगा, कॉलेज लेवल पे होगा या कॉमन होगा वो पता चलेगा। लेकिन इसलिए होगा क्योंकि अब मेरे भी जो बचे हुए 3-4 क्लाइंट हैं वो कह रहे सर तीनों जगह भर दो, चारों जगह भर दो, जो फिलहाल चूजी थे अब वो 4 जगह भरेंगे, उनका 3 जगह नंबर आ जाएगा, जाएंगे तो एक ही जगह ना, तो बाकी जो 2 सीटें खाली बचेंगी, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ कि बड़ी बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में 500 प्राइवेट कॉलेज की सीट खाली चली जाएँ, एंड सेम इज़ लिटिल बिट ऑफ गवर्नमेंट। अब 500 प्राइवेट कॉलेज की सीट का मतलब होता है 500 करोड़ का कहता है नुकसान, तो जिस लाले की 3-4 सीटें खाली जाएंगी वो 4 करोड़ का नुकसान क्यों बर्दाश्त करे, वो भी उस रूल की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती थोप दिया है। क्योंकि कॉलेजेस तो 2023 से पहले तो 4th राउंड ऑफलाइन होता था, कॉलेज हाथ की हाथ उसी को सीट देता था जो पूरा DD देता था, जैसे कर्नाटका ने करा राउंड 3 में पूरा डिपॉजिट लेके,
कॉलेज के पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट नेगेट नहीं कर सकता। उसी लॉजिक की वजह से 2023 में स्पेशल स्टे हुआ था, 24 में भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज की दो सीटें जाएंगी वो तो यही कहेगा ना कि सर मेरी दो सीटें ख़राब हो रही है आपके बेवकूफ़ी वाले रूल की वजह से, आपको लास्ट राउंड ऑफलाइन कराइए चाहे कॉमन जगह पे कराइए, जो बच्चे वहाँ बैठे होंगे मेरे पूरे फर्स्ट ईयर की डीडी देंगे उन्हीं को सीट दी जाएगी। अब ऑनलाइन के चक्कर में क्या लाख लाख रुपये का डिपॉजिट दे के लोग मजे लेते रहते हैं, उसी मजे को रोकने के लिए कर्नाटका ने फुल फीस का डिपॉजिट लिया या राजस्थान ने 5 लाख का लिया, बट अभी भी कई स्टेट ऐसे हैं जो लाख 2 लाख ही ले रहे हैं और कई पेरेंट्स हैं जो वो छोड़ देते हैं पैसा या दे डोंट माइंड इट, तो उनकी वजह से सीटें ख़राब होगी। तो स्पेशल स्टे भी पक्का होगा, इसलिए काउंसलिंग जैसे मैंने बोला चलेगी, लेकिन ये जो रूल है नीट्स में डिबार का वो चौथे राउंड में ही लागू हो जाएगा। ठीक है, सोच समझ के कीजिएगा, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी तक वही खाली बैठा होना चाहिए जो या बहुत चूजी है, ड्रॉप करने को तैयार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वरना अभी तक आई होप कि मोस्टली बच्चे फ्री हो चुके होंगे। मेरे क्लाइंट्स का भी यही हुआ, अभी वही बच्चे हैं कि नंबर भी कम है, बजट भी कम है, और वो खुद ही कहा था सर बच्चा ड्रॉप कर रहा है, और आप कोशिश करते रहिएगा कि वही स्टे में या स्पेशल स्टे में अगर किसी कॉलेज की हालत टाइट हो जाए और डिस्काउंट में हमको एक 20-25 वाली सीट एक में मिल जाए। मेरे पास हैं ऐसे 4 मैंडेट्स और वही मेरे मोस्टली बच्चे बचे हुए हैं, उसके अलावा 3 बच्चे और हैं जो परसों ही मिले हैं, वरना हमारे सारे बच्चे फ्री हो गए हैं। ओके, सो अगेन बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। 22 अक्टूबर की सुबह है, एक्शन स्टार्ट हो चुका है कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन से, वेट कर रहे हैं हम अभी भी कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जिनके अराउंड 3 बचे हुए हैं स्टेट्स के, और चूंकि बाकी जगह तो रिपोर्टिंग कल ख़त्म होनी है, तो आई एम श्योर हिमाचल, पंजाब या उत्तराखंड या यूपी या राजस्थान का ये जो स्ट्रे राउंड है ये तो 25-26 को ही स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगेन बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। 9643362320 हमारा नंबर है, और आप जानते ही हम किसी को कॉल नहीं करते हैं, और मैं एक बार और कह दूं कि हमारा यही नंबर है वर्किंग, आपको इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से कॉल बैक भी नहीं आएगा, वो भी तभी आता है जब आप ही कहते हो सर अभी बिजी हूँ 5 मिनट बाद बात करा दीजिएगा, और सब कुछ ट्रांजेक्शन सब व्हाट्सएप इसी एक नंबर से होते हैं, क्योंकि हमारा नाम लेके कई लोग शायद लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया है कि विवेक गुप्ता सर के ऑफिस से बोल रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान भी रखना है और हमसे संपर्क करना है। सिंपल सी बात है, फॉर्म अब आपको खुद भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन हम गाइड करेंगे, 50,000 हमारी काउंसलिंग फीस है, और नेगोशिएशन में अगर हम आपकी हेल्प करा पाते हैं चाहे वो फीस की हो चाहे बैंक गारंटी की हो, तो हमारा 1.5 लाख की फीस सर्विस चार्ज हो जाता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, और बेस्ट विशेज फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स टू बिगिन विद, बट मुझे लगता है 1 हफ्ता या 2 हफ्ते और भी चलेगा स्पेशल स्टे में, और शायद काउंसलिंग मिड नवंबर तक 15 नवंबर तक भी चल सकती है। बाय बाय।